बिहार के सिवान जिले में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आ गया। पिछले महीने भी इस इलाके में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हुई थी और एक बार फिर इस तरह की घटना हो गई, जिसके बाद फिर से बिहार में शराबबंदी पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे। मामला लकड़ी नबीगंज के रहने वाले करीब 5 लोगों का है, जिनके परिवार वालों का कहना है कि शराब पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। अमरजीत समेत 2 लोगों की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शराब पीने से मौत होने के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। एक और शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 2 अन्य लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे जहरीली शराब बेचने का काम चलता है, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं होती। लोगों में प्रशासन को लेकर आक्रोश है। उनका कहना है थाने के 100 मीटर की दूरी पर भी शराब बिकती है और लोग पीते हैं। समय रहते रोका जाता तो आज ये हालात नहीं होते। कहा यह भी जा रहा है कि मृतक अमरजीत खुद अवैध तरीके से शराब बेचता था। उसे समझाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना। साथ ही इलाके के लोगों ने बताया कि नबीगंज में चलते फिरते ही शराब के पैकेट्स बिखरे हुए दिख जाते हैं। कई बार ये पाउच गांव में सड़कों के किनारे पड़े दिख जाते हैं। हाल ही में छपरा, सिवान और गोपालगंज में जहरीली शराब ने कई घरों में मातम कर दिया था। लगभग 45 लोगों की जान चली गई थी और कईयों की आंखों की रोशनी चली गई थी। जिले में सालों से शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी ऐसी घटनाओं पर रोक न लगने से इस पर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी है।